हेलो एवरीवन आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी नीति तो आज के सेशन में हम लोग करेंगे मेंस लेवल टाइम एंड वर्क डेटा इंटरप्रिटेशन जो कि आपके आई क्लर्क मेंस के लिए सेंट्रिक रहने वाली है तो यहाँ पे मैं आपको पहले हिंदी में क्वेश्चन डिस्प्ले कर दूंगी कि तो जो लोग भी हिंदी वाले हैं वो अपना स्क्रीन uh, पहले ले रख लेंगे एंड दिस इज योर क्वेश्चन इन हिंदी स्क्रीन ले लो बिकॉज हम लोग जो फर्दर क्वेश्चन है वो इंग्लिश में करने वाले हैं ओके सो लेटस स्टार्ट विद द क्वेश्चन

एफिशिएंसी है हमारे पास टाइम है नंबर ऑफ मेन और नंबर ऑफ वुमेन है टाइम एंड वर्क में एक सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला रहता है वो यही होता है ना कि टोटल वर्क जो हमारे पास होता है वो किसके बराबर होता है आर या डेज मतलब टाइम टेकन इनटू एफिशिएंसी और एफिशिएंसी को हम हमेशा क्या बोलते हैं जो उसने पर डे पे काम किया है या फिर पर आर पे काम किया है जैसे इसने डेज दिया हुआ है तो यहाँ पे हम लोग एफिशिएंसी को पर डे में बोलेंगे मतलब एक दिन में उसने कितना काम किया वो उसकी एफिशिएंसी हो जाएगी अगर यहाँ पे आर होता तो मैं यहाँ पे पर आर लिख दी पर का मतलब क्या होता है एफिशियंसी होती है क्लियर अब हम इसको ना शुरू कर लेते हैं आप क्वेश्चन को देखो इसने क्या बोला है सिक्स मैन एंड नाइन वुमेन स्टार्टेड ऑन जॉब पी टूगेदर बट आफ्टर एट डेज टू मैन लेफ्ट द वर्क उसने बोला है पहले टाइम में छह मैन और नौ वन ने स्टार्ट किया फिर आठ दिन के बाद दो मैन जो है छोड़ के चले गए और तीन वुमेन और एड हो गई तो अब हमें बताना है की जो रिमेनिंग वर्क था जो इन्होने कम्प्लीट किया वो कितने दिन में पूरा होगा सबसे पहले तो हमें यहाँ पे टोटल वर्क चाहिए होगा टोटल वर्क चाहिए होगा ना तभी तो हम बता पाएंगे ना रिमेनिंग कितना वर्क बचा है टोटल वर्क मैंने आपको बताया था किसके बराबर होता है टाइम इंटू एफिशी टोटल वर्क किसके बराबर होता है टाइम इंटू एफिशी तो टाइम हम कैसे निकालेंगे देखना यहाँ पे उसने हमें कंसोलिडेटेड टाइम दिया है मेन एंड वुमेन का तो मेन एंड वुमेन का कंसोलिडेटेड टाइम है मतलब लगा देते हैं अब एफिशियंसी हमें कंसोलिडेटेड ही लेनी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास टाइम वैसा था

और 25 विमेन तीन यूनिट काम करेंगी अगर यहाँ पे मेन और वेमेन नहीं होता तो फिर मैं एफिशिएंसी सीधा ही यहाँ पे लिख देती 4 प्लस थ्री अब मैन और वेमेन बोला तो ये पर मैन पर वेमेन की एफिशिएंसी थी तो हमारे पास टोटल वर्क यहाँ पे कितना आ जाएगा 80 प्लस सेवेंटी फाइव विच मीन्स यूनिट्स या फिर उसने वन चॉकलेट्स बनानी है क्लियर ये उसका टोटल काम था अब देखो शुरू किस किस ने किया छे मैन और, और नौ वुमेन ने और वुमेन ने शुरू किया कितने दिन के लिए आठ दिन के लिए टाइम हमारे पास है आठ दिन एफिशिएंसी देख लो हमें टोटल वर्क देखना पड़ेगा ना तभी तो हम लोग रिमेनिंग वर्क निकाल सकते हैं यहां से अब छे मैन एफिशिएंसी कितनी है चार नो वुमेन एफिशिएंसी कितनी है तीन टोटल वर्क आ जाएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा ट्वेंटी फोर प्लस ट्वेंटी सेवन दैट मीन फिफ्टी वन दीन्स कितना आ जाएगा हमारे पास फिफ्टी वन विच मीन हमारे पास फोर हंड्रेड एंड एट चॉकलेट्स बन के तैयार हो गई थी कब पहले आठ दिनों में पहले आठ दिनों में इतनी चॉकलेट्स बन के तैयार हो गई अब रिमेनिंग कितनी रह गई रिमेनिंग कितनी रह गई वन फाइव फाइव जीरो माइनस चार आठ मतलब रिमेनिंग हमारे पास यहाँ पे रह जाएंगी कितनी रह जाएंगी वन वन फोर टू वन वन फोर टू हमारे पास चॉकलेट्स रह गई हैं और ये बनाएगा कौन कौन इसमें से दो मैन ने छोड़ दिया पहले मैन थे दो मैन ने छोड़ दिया मतलब मैन कितने बचे? चार मैन पहले नौ वुमेन थी और तीन वुमेन ने और ज्वाइन कर लिया मतलब अब कितनी हो गई बारह वुमेन और अब ये बताना है कि इनका काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा कितने टाइम में कम्प्लीट होगा अगर मैंने आपको बताया था कि टोटल वर्क का फॉर्मूला होता है टाइम इंटू एफिशियंसी तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा टोटल वर्क डिवाइडेड बायिशियंसी इनके लिए टोटल वर्क कितना बचा है यहाँ पे इनके लिए यहाँ पे टोटल वर्क कितना बचा है वन वन फोर टू वन वन फोर टू चॉकलेट्स बनानी है और इनकी एफिशिएंसी कितनी है फोर मैन की हो जाएगी फोर इंटू फोर ट्वेल्व वुमेन की हो जाएगी ट्वेल्व इंटू थ्री क्योंकि एफिशिएंसी हमें यहाँ पे दे रखी थी क्लियर यहाँ पे रेशो है बट हम इसको मान लेंगे फोर यूनिट्स काम किया है और थ्री यूनिट्स काम किया है अदरवाइज अगर दूसरे सेंस में लेंगे कि फोर के मल्टीपल्स में ले लो थ्री के मल्टीपल्स में ले लो थोड़ा सा टफ हो जाएगा क्वेश्चन ओके okay? तो यहाँ पे आप देख लेते हैं हमारे पास कितना आ जाएगा वन वन फोर टू डिडेड बाई फोर फोर जो सिक्सटीन सिक्सटीन और थर्टी सिक्स कितना हो जाएगा हमारे पास फिफ्टी टू 1142 डिवाइडेड बाय 52 हमारे पास ये इसका टाइम आ गया अब देखो डिनोमिनेटर में 52 है मतलब या तो 26 से जाएगा या 13 से जाएगा या 52 से जाएगा है ना इतने ही मल्टीपल्स बनेंगे ना इसके दो से भी जा सकता है वैसे तो बट कंसीडरिंग ऑप्शंस 52 70 से नहीं कटेगा फिफ्टी टू नाइनटीन से नहीं कटेगा फिफ्टी टू एट से नहीं कटेगा मतलब या तो ये ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास या फिर ये ऑप्शन अवेलेबल है हमें देखना पड़ेगा क्लियर एलिमिनेशन मेथड यूज किया है तो यहाँ पे इसको हम लोग कट कर देते हैं ट्वेंटी सिक्स से टू से तो कितना आ जाएगा ये फाइव सेवन वन फाइव सेवेंटी वन आ जाएगा तो ट्वेंटी सिक्स और ये हो जाएगा ट्वेंटी सिक्स टूजी टू एंड ट्वेंटी सिक्स तो बचेगा हमारे पास कितना बचेगा हमारे पास कितना फिफ्टी टू बच गया या ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव बचा ना पहले हमने फिफ्टी टू किया फिर फिफ्टी वन बचा तो ट्वेंटी सिक्स तो ये बचा हमारे पास ट्वेंटी फाइव तो ये आ जाएगा ट्वेंटी वन ट्वेंटी फाइव बाई ट्वेंटी सिक्स दिस इज टाइम इन विच इन लोगों ने काम अपना पूरा कर लिया है आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू जॉब एस वॉज कम्प्लीटेड इन टेन डेज विद द हेल्प ऑफ सेवन चिल्ड्रन सात चिल्ड्रन की मदद से जॉब एस को दस दिन में कम्पलीट किया गया तो हमें बताना है छह वुमेन और बारह चिल्ड्रन इस जॉब एस को कितने दिन में कम्प्लीट कर लेंगे ठीक है एस की बात हो रही है सबसे पहले टोटल वर्क निकालना पड़ेगा टोटल वर्क की बात करूं तो टोटल टाइम इन टू टोटल एफिशियंसी होता है टाइम हमारे पास कितना है यहाँ पे फिफ्टीन डेज एफिशिएंसी हमारे पास कितनी है है हाँ पे मैं, पर पर यूनिट यूनिट बनाता और पर एक बनाती है। मतलब लोगों ने इतना बनाया होगा और लोगों ने ने इतना बनाया फिफ्टीन इंटू कितना हो जाएगा ट्वेंटी फोर प्लस एटीन ट्वेंटी फोर प्लस एटीन कितना सिक्स थर्टी यूनिट्स ये हमारी टोटल यूनिट्स बनके तैयार हो जाने चाहिए थी अगर मैं जॉब एस की बात करूं अब उसने बोला यही जॉब एस मतलब टोटल वर्क दस दिन में कंप्लीट किया गया सात चिल्ड्रन की मदद से दस दिन में कौन कौन लगा मेन लगा वुमेन लगा चिल्ड्रन लगा क्लियर अगर मैं बात करूं कि इन दस दिन में इन दस दिन के अंदर हमारा पर डे का वर्क मतलब हमारी एफिशिएंसी क्या रही होगी तो आप क्या बोलोगे आप क्या बोलोगे मैम टोटल वर्क डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज मतलब टोटल सिक्सटी थ्री यूनिट्स तैयार करी होंगी किस किस ने मेन वुमेन और चिल्ड्रन ने समझ में आ रही है टोटल सिक्सटी थ्री यूनिट्स तैयार की होंगी मेन वुमेन और चिल्ड्रन ने अगर मैं पर डे की मेन और वुमेन की बात करूं कि उन्होंने एक दिन में या उनकी एफिशिएंसी क्या रही होगी तो हमने यहाँ पे निकाली थी ना ये वाली मेन वुमेन की हमारे पास एफिशिएंसी कितनी थी फोर्टी टू मतलब बयालीस यूनिट्स पर डे में मेन और वुमेन बना लेते हैं ये हमारे पास है मेन वुमेन और चिल्ड्रन की ये हमारे पास है मैन और वुमेन की क्या आप चिल्ड्रन की एफिशियंसी निकाल सकते हो डेफिनेटली निकाल सकते हो सिक्सटी थ्री माइनस फोर्टी टू कितना हो जाएगा ट्वेंटी वन यूनिट्स मतलब एक बच्चा मतलब जो चिल्ड्रन हैं मतलब जो चिल्ड्रन हैं उनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी टोटल में ये सब टोटल चल रहा था ना टोटल एफिशिएंसी टोटल एफिशिएंसी तो ये भी चिल्ड्रन की टोटल एफिशिएंसी आई है जितने भी चिल्ड्रन हैं उनकी टोटल एफिशिएंसी क्लियर मतलब चिल्ड्रन सारे के सारे सातों के सातों बच्चे मिलके 21 यूनिट बना लेते हैं अगर सात बच्चे मिलके 21 यूनिट बनाते हैं तो एक बच्चा मिलके एक बच्चा जो है कितनी यूनिट्स बनाएगा एक बच्चा जो है कितनी यूनिट्स बनाएगा थ्री यूनिट्स बना लेगा चिल्ड्रन की एफिशिएंसी कितनी आ गई थ्री मैन और वुमेन की कितनी थी टू और वन चिल्ड्रन की कितनी आ गई हमारे पास थ्री आ गई क्लियर अब यहाँ से वुमेन और चिल्ड्रन निकाल सकते हैं हम लोग कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा उसका वर्क ये देखो ऐसे निकलेगा हमारे पास टोटल वर्क कितना है यहाँ पे सिक्स थर्टी यूनिट्स सिक्स थर्टी यूनिट्स को किस किस ने कंप्लीट करना है सिक्स वुमेन और बारह चिल्ड्रन ने ठीक है सिक्स वुमेन की अगर मैं बात करूं एफिशिएंसी कितनी है एक बारह चिल्ड्रन की बात करूं एफिशिएंसी कितनी है तीन मतलब इनका अगर ये टोटल की बात करूं टोटल यूनिट एक दिन में कितनी बना लेंगे तो आप बोलोगे मैम सिक्स प्लस दैट हमारे पास टोटल एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी इनकी फोर्टी टू फोर्टी टू चॉकलेट्स बना के तैयार कर लेंगे अगर एक दिन में फोर्टी टू यूनिट्स तैयार करते हैं तो सिक्स थर्टी यूनिट्स कितने दिन में तैयार कर लेंगे अगर वो लोग फोर्टी टू यूनिट्स एक दिन में तैयार करते हैं तो सिक्स थर्टी यूनिट्स कितने दिन में तैयार कर लेंगे कितने दिन में कर लेंगे सेवन से कट जाएगा नाइनटी और सिक्स That means, आपके पास कितना आ गया 15. तो डेज 15 में इनका काम जो है बन के पूरा हो जाएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे ड्यू टू अर्जेंसी इन जॉब आर जॉब आर में कोई अर्जेंसी आ गई तो जॉब आर को हमें पंद्रह दिन में कंप्लीट करना पड़ गया तो हमें ये बताना है कि और कितने मैन हमने एम्प्लॉय किए ताकि ये काम पंद्रह तो दिन में खत्म हो जाए वैसे काम अठारह दिन में खत्म हो रहा था लेकिन हमें पंद्रह दिन में खत्म करना ही करना है सबसे पहले टोटल तो तो वर्क निकालना पड़ेगा टोटल तो वर्क मतलब टोटल तो टाइम इंटू टोटल तो एफिशिएंसी। तो टोटल तो टाइम तो 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 हमें कितना लगा अठारह दिन एफिशिएंसी कितनी लगेगी तो दस मैन थे एक मैन चार यूनिट बनाता है बीस वुमेन थी एक वुमेन तीन यूनिट बनाती है क्लियर टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी अठारह सौ यूनिट हो गई और टोटल वर्क कितना हो गया अठारह सौ यूनिट से हमारे पास टोटल वर्क हो गया ओके अब देखो अगर मुझे यही काम अगर मुझे यही काम पंद्रह दिन में कंप्लीट करना है मुझे ये वाला काम अठारह सौ यूनिट पंद्रह दिन में कंप्लीट करनी है तो मुझे एक दिन में कितना काम करना पड़ेगा मतलब मेरी एफिशिएंसी क्या रहनी चाहिए टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टाइम मुझे एक दिन में कितनी यूनिट्स बनानी पड़ेंगी बारह यूनिट्स बनानी पड़ेंगी बनानी पड़ेंगी मुझे बारह ही बनानी पड़ेंगी ना एक सौ बीस बनानी पड़ेगी एक सौ बीस सॉरी मुझे एक दिन में एक सौ बीस यूनिट्स बनानी पड़ेंगी ठीक है ये एक सौ बीस यूनिट्स बनाने में कौन कौन हेल्प करेगा मैन हेल्प करेंगे वुमेन हेल्प करेंगे और इस मैन में हमारे पास ओल्ड मैन मतलब ये जो दस मैन हमारे पास थे प्लस न्यू मैन और वुमेन कितनी है जितनी पहले थी उतने ही थी मतलब पहले हमारे पास दस लोग थे एक्स हमने और ऐड किए और पहले हमारे पास बीस वुमेन थी ये सब हमें मदद करेंगे इन एक सौ बीस यूनिट्स को बनाने के लिए हमारे पास टोटल वर्क है टोटल वर्क आ, हमारे पास एफिशिएंसी है हमारे पास क्या है इनकी एफिशिएंसी है कि एक दिन में कितनी यूनिट्स बनके तैयार हो जाएंगी अगर ये सब लोग एम्प्लॉय होंगे 120 यूनिट बनके तैयार हो जाती है हमारे पास और लोग कितने एम्प्लॉय हो रहे हैं दस मैन प्लस x और ऐड किए और बीस इनकी एफिशिएंसी हमारे पास कितनी है चार और इनकी एफिशिएंसी हमारे पास कितनी है 3. अगर हमने पर डे का काम लिया यहाँ पे तो यहाँ पे भी हमें पर डे का ही काम लेना पड़ेगा ना एफिशिएंसी लेनी पड़ेगी ना कितना जाएगा फोर्टी प्लस फोर एक्स प्लस

ऑफ ईच वुमेन फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन द जॉब अगर हमारे पास टोटल वेजेस कितनी थी 3720 मतलब 3720 में से हर एक वुमेन को हर एक औरत को मतलब पांचों का अलग-अलग बताना है उनको कितना वेजेस मिला हो सकता है चाहे वेजेस निकालना है चाहे कुछ भी निकालना है सबसे पहले नीड तो किसकी रहती है टोटल वर्क की रहती है ना तो टोटल वर्क हमारे पास कितना होगा जॉब टी में टोटल टाइम आठ दिन इन टोटल एफिशियंसी पच्चीस मैन थे पांच यूनिट्स एक दिन में कर लेते थे दस वुमेन थी तीन यूनिट्स एक दिन में बना लेती थी टोटल वर्क हमारे पास कितना आ जाएगा जाएगा ये हो एक सौ पच्चीस और ये हो जाएगा तीस मतलब एक सौ पचपन तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा वन टू फोर जीरो वन टू फोर जीरो चॉकलेट इनको बना के तैयार करनी है टोटल वर्क इनका ये हमारे पास आ गया ठीक है समझ में आ गई इतनी बात ओके okay. अब देखो दस दिन है पहले दस दिन किस किस ने काम किया पंद्रह मैन ने और पांच में कितना काम कर लिया होगा तो आप, मैं, आप क्या बोलोगे मैम हमें वर्क निकालना है वर्क का मतलब क्या होता है हमारे पास वर्क का मतलब हमारे पास क्या होता है टोटल वर्क इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू टाइम टाइम हमारे पास दस दिन है एफिशिएंसी हमारे पास कितनी है इनकी तीन और वुमेन कितनी एम्प्लॉय हुई है पांच मतलब डेढ़ सौ चॉकलेट्स दस दिन में इन्होंने टोटल बनाई होंगी टोटल वर्क में से डेढ़ सौ चॉकलेट इन्होंने बना ली होंगी मेरे को पता चल गया कि इन पांच वुमेन ने सिर्फ इतना ही काम किया है काम कितना था वन टू फोर जीरो इन्होंने काम कितना किया सिर्फ इतना सा ही किया मतलब मुझे हिस्सा तो पता चल गया ना अगर मैं बोलू पार्ट ऑफ वर्क हिस्सा इन्होंने काम किया इन्होंने काम किया डेढ़ सौ यूनिट जबकि इनको काम कितना करना था वन टू फोर जीरो इतना इन्होंने काम कर लिया ठीक है फिफ्टीन बाय वन ट्वेंटी फोर इनकी फ्रैक्शन रहेगी जो इन्होंने टोटल वर्क का पार्ट कर लिया ठीक है, हम जब भी निकालते हैं तो टोटल वर्क के थ्री सेवन टू जीरो वेजेस हमने डिस्ट्रीब्यूट करनी थी इनको कितना हिस्सा मिलेगा फिफ्टीन बाय वन ट्वेंटी फोर मिल जाएगा क्लियर है तो ये कितना कट जाएगा थर्टी दैट मीन सारी की सारी वुमेन को 450 रुपीस मिल जाएंगे वेजेस के तौर पे क्योंकि वेजेस हम किस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जितना पार्ट ऑफ वर्क जिस जिसने किया होता है मतलब जितना काम करेगा उतनी वेजेस मिलेंगी ठीक है ये हमारे पास पांच वेमेन का आ गया तो यहाँ पे साढ़े चार सौ रुपए बन गए पांच वेमेन को साढ़े चार सौ रुपए बने तो एक वेमेन को कितने बनेंगे साढ़े डिवाइडेड बाय पांच मतलब नब्बे रुपए एक वेमेन को बन जाएंगे नाइनटी रुपीज विल बी योर आंसर

और मैन और वुमेन का कितना हो गया तो सिंपली फाइव इज टू सिक्स इनका रेशो बन जाएगा या जिस मर्जी तरीके से लिख लो। ये 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 मैन है, ठीक है, वुमेन उसके साथ चिल्ड्रन और एम्प्लॉय किए गए तो टोटल वर्क दस दिन में कम्प्लीट हो गया हमें एक्स की वैल्यू बतानी है मतलब कितने चिल्ड्रन एम्प्लॉय किए गए सबसे पहले यहाँ पे देखो टोटल वर्क हमारे पास कितना आ जाएगा टोटल वर्क हमारे पास कितना आ जाएगा पंद्रह दिन टोटल काम चला पंद्रह मैन थे छह उनकी एफिशिएंसी थी दस वुमेन थी पांच यूनिट वो एक दिन में काम करती थी तो टोटल वर्क हमारे पास कितना आ जाएगा ये नाइनटी हो जाएगा या फिफ्टी हो जाएगा फिफ्टीन इंटू वन फोर्टी फिफ्टीन इंटू कितना हो जाएगा वन फोर्टी तो जब भी ऐसे कंजेकेटिव नंबर्स आ जाए उनका मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं इसका स्क्वायर कर दो और यही नंबर इसमें ऐड कर दो कितना आ जाएगा 2100 चॉकलेट्स उसने बनानी थी ठीक है समझ में आ गई लेकिन ये काम तो पंद्रह दिन में हुआ हमें कितने में कंप्लीट करना है दस दिन में अगर हमें दस दिन में काम कंप्लीट करना है तो इस दस दिन में काम को कंप्लीट करने में हमारी हेल्प कौन कौन करेंगे मेन, वुमेन और चिल्ड्रन करेंगे टोटल वर्क हमारे पास कितना है इक्कीस हमारे पास टोटल वर्क किसके बराबर होता है टाइम इन एफिशिएंसी टाइम हमारे पास कितना है दस दिन का एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी मैन की सिक्स विमेन की फाइव चिल्ड्रन की फाइव मैन हमारे पास कितने थे पंद्रह हमारे पास कितनी थी वुमेन हमारे पास कितनी थी दस और यहां पे हमारे पास चिल्ड्रन कितने हैं एक्स चिल्ड्रन हैं क्लियर इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं दैट मीन्स 140 तो दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी x प्लस फाइव और सॉरी x इंटू फाइव हो जाएगा ये क्लियर इन टू टेन इक्वल्स टू इक्कीस ये कट जाएगा यहाँ से 140 को हम इधर ले जाएंगे 210 हंड्रेड एंड कितना हो जाएगा 70 5x की वैल्यू 70 आ गई तो x की कितनी आ जाएगी 14. मतलब चौदह चिल्ड्रन को हमने इम्प्लॉय किया था काम करने के लिए सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडे क्वेश्चन एंड आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन को अच्छे से किया होगा सॉल्व सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा तो इसी तरह के क्वेश्चन और आते रहेंगे टिल देन गुड स्टे हैप्पी